अभी यही इसी टाइम पे अगर लारे मेरे साथ होते और हम लोग साथ जा रहे होते तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे पता होता कि मेरे घर वाले भी मेरे साथ होंगे और मेरे शोहर भी मेरे साथ हैं। मैं अभी जो है वो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो लड़कियों की जिंदगी है, दैट इज वेरी टफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं गोपी पिलावी, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। व्लॉग आज का ये है कि भाई सहरी मुकम्मल हो गई है और जरनाव सोने के लिए चली गई। हमने व्लॉग ख़त्म इसलिए कर दिया था क्योंकि हम थक गए थे, मैं भी बहुत थक गया था, तो मैंने बोला कि सहरी से नया व्लॉग शुरू करेंगे क्योंकि आज जरनाव की बर्थडे का दिन शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बजे का सरप्राइज बहुत ही अच्छा गया, मगर अब जो मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ ना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मगर मैं दूसरी साइड से बहुत उदास हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं है कि मैं ये गिफ्ट दूँ, मगर बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैमिली इज फैमिली और फैमिली से दूर रखना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो जितना हो सकता है मेरी कोशिश होती है कि मैं जरनाब को बस हंसता मुस्कुराता देखूं। तो क्योंकि आज जरनाब की बर्थडे है और जरनाब 2021-22-23 और ये 14 साल है जिसमें अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकी है। अब जरनाब की फैमिली ट्री कुछ इस तरह है कि जरनाब की मदर की बर्थडे आती है 14 मार्च को, जरनाब की अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी शादी की है 15 मार्च को, जरनाब की बर्थडे है 16 मार्च को, जरनाब की छोटी बहन की बर्थडे है 19 मार्च को, और इस इन बिटवीन 18 मार्च को हमारा निकाह हुआ था तो उसको भी 1 साल हो जाएंगे। अब जरनाब के लिए जो मैं मिनी गिफ्ट लाया हूँ ना, सबसे बड़ा गिफ्ट जरनाब को मैंने अपनी लाइफ का ये दिया है कि अभी तक जो मैं कर सकता था कि जरनाब को मैंने बोला है कि आपने जिधर भी ट्रैवल करना है आप मुझे नाम बताएं, मैं आपको घुमाने लेके जाऊँगा। इसके लिए जरनाब को सोचने का थोड़ा सा टाइम देंगे और आप लोगों को भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कि जरनाब कब मुझे बताएंगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, वो खुद कन्फ्यूज है, अभी नींद में भी है, तो फटाफट जरनाब के पास चलते हैं क्योंकि आज सुबह 1:30 बजे की मैंने जरनाब की कराची टू मुल्तान की फ़्लाइट करा दी है कि जरनाब को मैं घर भेज दूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं जरनाब के बगैर बर्थडे, जरनाब की बर्थडे मेरे बगैर पूरा गुजरे दिन, क्योंकि 3-4 साल से साथ हैं, तो मेरा दिल सेल्फिश यूँ हो रहा था कि मैं नहीं भेजूँ। फिर मैंने 3 दिन पहले टिकट्स करवा दी जरनाब की, के कुछ दिन जरनाब अपने घर चले जाएँ और आगे अपनी छोटी बहन की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लें। इसमें मेरा निकाह भी जो है वो थोड़ा सा, मेरा निकाह भी, हमारी निकाह एनिवर्सरी भी थोड़ी सी इग्नोर हो जाएगी, पर कोई मसला नहीं, जब वो आएगी तब सेलिब्रेट कर लूँगा। पर जरनाब खासा अपने घर से उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है, और कितने काफ़ी दिनों से उदास हैं, 2-4 दफ़ा रोई भी हैं। ऑब्वियस है, माँ भाई बहन की, माँ बाप की याद आती है और बहुत दूर हैं वो, अभी भी यही बोल रही थी कि दिल छोटा हुआ हुआ था, 2-3 दफ़ा रोई थोड़ा, तो मैं बड़ा भर के रहा, मैं अभी बता दूँ, मैं नहीं अभी नहीं बताना लाली, सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना है। तो सरप्राइज़ ये है कि आज 1:30 बजे की जरनाब की कराची से मुल्तान की फ़्लाइट और कुछ दिन बाद जरनाब वापस आएंगी। मेरा दिल पे पत्थर रख के मैं जरनाब को अपने से दूर भेज रहा हूँ, मगर जाहिर है कि जिनकी ज़िम्मेदारी मैंने ली है उनके पास ही भेज रहा हूँ। मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है, मैं रोने जैसा हुआ हुआ था, बड़ा कंट्रोल करके मुँह हाथ धो के अभी फ़्रेश होकर ब्लॉग शुरू करें, तो चलो वो बिल्कुल सरप्राइज़ करते ताकि वो फटाफट अपनी पैकिंग कर लें, थोड़ा सा सो जाएँ और सुबह फिर जरनाब को छोड़ देंगे। पहली बर्थडे जरनाब की मेरे बगैर गुजरेगी, मगर वो अच्छा है, उनको और खुशी से गुजारेंगी क्योंकि उनकी फैमिली उनके साथ होगी और फैमिली भी ज़रूरी है। बट आई विल मिस यू गुल। चलो सरप्राइज़ करते हैं, क्या इमोशनल हो रहा हूँ, आदत नहीं है जरनाब के बगैर रहने की, और अजीब सा लग रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये है मेरी बेगम की टिकट जो मैंने कराई हुई है, और इस प्लान के बारे में सिर्फ अहमद को पता था, जरनाब के छोटे भाई को, कि लाली ठीक है भेज दो आप, मैंने बोला मैं आपकी अमानत आपके पास भेज रहा हूँ भाई, खैर से उसको पिक कर लेना और अपने साथ रखना और अपनी सेलिब्रेशंस कर लेना, और ताकि जरनाब खुश हो जाएँ और उनके अंदर जो भारीपन था वो सेट हो जाए, ताकि घर वालों को देख के, अम्मी को देख के, अब्बू को देख के, वो इंशाल्लाह, मुझे पता है जाहिर सी बात है हर औलाद खुश होती है और वो बहुत खुश होती है। चलो जरनाब को बताते हैं। बाबा, ओ बाबा सोई, अस्सलाम वालेकुम बर्थडे गर्ल, क्या हुआ? अच्छा बात सुने, तो सुने मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, बताऊँ? सीधा बैठे फिर बताऊँगा, सॉरी आपकी नींद खराब कर रहा हूँ। ये आपका मिनी गिफ्ट, आज आप अपने घर जा रही हैं। आज मैंने आपकी टिकट करा दी 1:30 बजे की, 3 दिन पहले से कराई हुई है, थोड़े दिन के लिए घर चली जाएं, सेलिब्रेट करें अपनी बर्थडे मम्मा पापा के साथ, फाइनली
4 साल बाद, चौथे साल अकेली जाऊंगी। सारी सेटिंग बना दी है मैंने, अकेली जाऊंगी। लेकिन क्यों? आप इतने दिन से रोना धोना आपने डाला हुआ था, आपको मम्मा पापा की याद आ रही थी, मम्मा याद आ रही, मम्मा याद आ रही, मम्मा याद आ रही है। तो मैंने कोई 3-4 दिन हो गए मैंने आपकी टिकट करा ली थी। ये आपका है मिनी डोमेस्टिक गिफ्ट। तो आप साथ तो चलते मेरे। नहीं नहीं आप जाएं, आप होकर आएं, फटाफट जाएं अपने मम्मा पापा के साथ एंजॉय करें। टाइम कम है पैकिंग करने, क्योंकि 1:30 बजे की आपकी फ्लाइट है। गुल अभी 1:30 बज रहे हैं। नहीं अभी तो आप सो जाएं ना, अभी सुबह सुबह 1:30 बजे की है। 3-4 घंटे सो जाएं, सुबह 9-10 बजे उठ के चले जाइएगा। मेरे बाबा, मैंने आपको इतना मजे का सरप्राइज दिया, आप तो बोलिए अकेली नहीं जाएंगी। मैं इतना पत्थर दिल पे पत्थर रख के आपको भेज रहा हूँ अपने पास से, इसलिए तो मैं कल पकौड़ों की जिद करता, पकौड़े खिला दे। नहीं तो अभी 3 दिन ही तो है, आप चले ना मेरे साथ। नहीं नहीं आप हो कह रहे हैं, मैं काम निपटाऊंगा। काम है कोई? आप क्या काम है? है काम कैंपेन्स वगैरह के। तो मुझे भी है, मैं इतने दिन कैसे ऑफ करूंगी? मैंने तो अभी भी इतने ऑफ कर लिए। मैंने सन्ना को मैसेज कर दिया था कि थोड़ा कुछ संभाल लेना, मेरी बेगम ने जाना है घर। अब बेगम को खुशी के अलावा शौक भी लगा है कि वो अकेले जाएंगी, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल नहीं करती। तो ये बोल रही है आप भी चलें, मैंने मुझे यहाँ पे काम है, और ना वो भी कुछ ऐसी हो गई है, सरप्राइज मिलने पे ऐसे हो गई हैं कि अकेले जाना पड़ेगा। अब आप उस दिन रो भी तो रही थी ना, मुल्तान से कराची की कोई भी फ्लाइट नहीं थी, वरना मेरा पूरा प्लान था कि रात को 12 बजे जो मैं आपको आज सरप्राइज़ करूँगा तो आपकी अम्मा को आपके सामने खड़ा कर दूँगा, मगर कोई फ़्लाइट नहीं थी। तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि मैं आपको वहाँ भेज देता हूँ, ये हुआ। क्योंकि मम्मा की बर्थडे की रात आप रो रही थी कि मुझे जाना है, तो मैंने बोला आपको भेज दूँ, और आपने 3 साल से सेलिब्रेट भी नहीं करा है, इसीलिए अब आप जो है ना वो ज़्यादा सोचे नहीं और सो जाएं। सोचने की बात, मुझे नहीं जाना अकेले आपके बगैर। ऐसे बोलो तो बोलती है मैंने घर जाना है, घर वालों की याद आ रही है, ऐसा नहीं वैसा। हाँ तो जारी सी बात, जाएगी साली तू और मैं करूंगा ये, मेरी बीवी मैं के चली गई। इसे बोलते पकौड़े खिला दे साली, पकौड़े खिला दे। बुखर चले आप सो जाए, मुझे भी नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ गाइस। अभी सोते हैं, मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरी बेगम की जो है ना वो है 1:30 बजे की फ़्लाइट, और अभी हो रहे हैं 11:30। 9:30 बजे का अलार्म मैंने लगाया था, और मुझे लग रहा है उन्होंने होशियारी से बंद कर दिया था। कोई बंद नहीं किया, मुझे पता भी नहीं चला। अरे मुझे तो गुस्सा क्यों हो रही है यार, मेरी बेगम को तो सरप्राइज़ कराया तो उल्टा मुझे गुस्सा हो गया। मैंने खुश हो गई तो नाराज़ हो गई कि आप नहीं जा रहे। पहली बर्थडे जिस पे मैं खुश नहीं। क्यों? आपको तो मैं वहाँ भेज रहा हूँ इतने प्यार से, मैं आप तो खुश हो जाएंगी। तो वहाँ जाने पे क्यों खुश नहीं है? वहाँ जाने पे तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ जाना चाहिए। चले ना बाबा, जा तो रही हूँ। अभी आपको ही नहीं पता कि मैं कितना उदास होकर आपको बस कर दे, बस कर दे। हैप्पी बर्थडे, आपकी बर्थडे आएगी ना, मैं भी आपको कहीं भेज दूंगी, आपके साथ नहीं होंगी। आप मुझे जू पे भेज दिएगा। ऐसे ही खुद चली जाऊंगी यार। जू? नहीं कहीं भी। बंदर बन के दिखा, जल्दी दिखा। शीशा नहीं है अभी मेरे पास, आपको दिखा देती हूँ। मेरी प्यारी सी बर्थडे गर्ल, अब तो मूड अच्छा कर ले, अब तो जा रही है मम्मा के पास अपने। का क्या सोचा है, कहाँ जाना है? कुछ भी नहीं सोचा इसका। चले आपको मैंने टाइम दिया, आप आएंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सही है? ठीक है। आप भी सोचें फिर मुझे बताएं, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी है? सच्ची बात, चश्मा देना, सच्ची बात है। वैसे तो हैप्पी हूँ, लेकिन बस पता नहीं, समझ नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलो जल्दी करें गाइस, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा रह गया फ्लाइट में, और जो है ना वो मैडम के फटाफट हमने बाल ब्लो ड्राई करवाने। अभी फटाफट बस हम जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी अपने बाल ब्लो ड्राई करवाऊंगी, क्योंकि आज मेरे बर्थडे का डिनर, मैंने सोचा था आज के मैंने ना शूट करवाना है, क्योंकि मैंने बहुत कितनी मेरी बर्थडे गुजर गई, मैंने किसी बर्थडे पे अपने शूट नहीं करवाया खुद से ना, तो मैंने खुद शूट करवाना था। लेकिन लारिफ खालिद ने तो मुझे यहाँ से भेज दिया। पिछली दफा भी शादी में मेरी बर्थडे थी, और इस दफा शादी में रमजान था, तो मैंने कहा मैं शूट करा लूंगी, तो शूट भी नहीं हुआ। ये चाहते ही नहीं थे गाइस कि मैं इनके साथ रहूं। आपको पता ही नहीं मैं कितना दिल पत्थर रख के भेज रहा हूं। आपको तो बीवी ने बताया कि परसों हमारी निकाह की एनिवर्सरी है, तो मैंने आपको फिर भी भेज दिया। मुझे सब पता है मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है ना। अब जरनाब अपने घर जाने के लिए बहुत खुश है, मगर वो कल रात से मुझसे इस चीज पे मुंह बना के बैठी है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और उनका ज्यादा घर जाने से खुशी ज्यादा, दिल इससे ज्यादा उदास है कि मैं साथ नहीं हूँ, कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं अकेले क्या करूँगा।
यार बाबा आई लव यू, मैंने तो आपके लिए करा, मैं इतना, मेरा तो इतना दिल अभी वो हुआ भाई, पर मैंने तो यूं कराया था कि बस जनाब जाए इंजॉय करके आ जाए अपना दिन। अच्छा एक और मज़े की बात, एक और मज़े की बात ये कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जरना आपके छोटे भाई मतलब मेरे छोटे भाई अहमद भाई ने मुझसे पहली बार फरमाइश की कि लारे भाई मुझे जो है ना मदबी बहुत खाने की क्रेविंग हो रही है, और मदबी खाने से ज़्यादा मुझे मदबी की सॉस की क्रेविंग हो रही है। कल रात को जो अब हम लोग जरनाब के लिए मटन चॉप्स ले रहे थे तो मैंने वहाँ से मदबी भी पार्सल ली थी, उसको मैंने डीप में फ्रीज़ कर दिया, उसके सॉसेस को थैली में ऐसे पैक करे जैसे अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या पैक करा है क्योंकि थोड़ी सी लीक हो गई थी। तो अहमद भाई आपका खाना भी मैंने भिजवा दिया है, अब मुझे नहीं पता सिक्योरिटी क्लियरेंस उसको क्लियर करेगी नहीं करेगी, अगर कर दिया तो आपको खाना मिल जाएगा, नहीं करा तो फिर मैंने कर दिया था। खैर अभी टाइम बहुत कम रह गया, 12:03 हो रहे हैं, 1:30 की फ़्लाइट है। अब जरनाब अगर 12:15 तक भी आती हैं तो मैं 12:30 तक जरनाब को एयरपोर्ट पहुँचा दूँगा। भाई मुन्नी उदास है, चलें ना बाबा यार, अब मूड अच्छा करके जाएँ, अच्छा खैर खैर से जाएँ, चलें अपने पैर से गर्ल्स दिखा दें जल्दी से फटाफट से दिखा दें। अच्छा उदास क्यों ये बताएं? इसलिए उदास हूँ ना कि मैं मतलब मुझसे नहीं इस तरह रहा जाता है। तो फिर रोती क्यों थी रोज कि मम्मा की याद आ रही है तो ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है, मम्मा की बर्थडे की चीजें देख रही तो रोना आ रहा है, बिल्ली को देखनी है तो रोना आ रहा है, अहमद को देखनी तो रोना आ रहा है, मैंने तो उससे सरप्राइज बनाया आपके लिए छोटा या वाला, फिर ना रोती ना मेरे आगे तो मैं नहीं करता, मैंने सही है चलना जना बेगम मेरी सही है खुश खुश है, मैंने इतनी उदास हुई मैं इतनी भरी में तो मैंने भेज दूंगा तो थोड़ा खुश हो जाएंगी। ये तो आप चलते हैं ना फिर बाबा, अभी आप होकर आए ना यार, जा ही रहे हैं। I love you। अच्छा देखे मेरी तरफ बा क्या हो? अरे रो क्यों रही हैं? क्यों रो रही हैं? टिश्यू दे हंस के दिखा दे, मैंने सामान उतारे मेरा जाऊं मैं। हाँ ये तो पहला ऐसा जन्ना आपको मैंने जिंदगी में गिफ्ट दी थी जिसमें तो ये रो गई हैं। यार मैंने तो कसम खुदा की कराया इसलिए सब के जो है ना ये घर से उदास थी। चलो मुझे हंस के दिखा के जाएं, ऐसे नहीं जाएंगे आप, हंसी नहीं आ रही, हंसी खुशी जाएं, खुशी जा रही। बाय बाय। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो यार गलती कर दी है वाला सरप्राइज देखिए तो ना, आप तो बिल्कुल ही उदास हो के गई हैं, मुझे पता ही नहीं मैंने बोला कि ज़्यादा खुश हुई होंगी कि वो घर पर जा रही हैं, पर वो तो ज़्यादा उदास ही हैं कि मुझे छोड़ के जा रही हैं और अभी भी गाड़ी में रोके गई हैं, मैं बड़ा मुश्किल से जब्त करके बैठा हूँ, मेरा अल्लाह की कसम दिल था ही नहीं मैं इस तरह जरनाब को अपने से दूर भेज दूँ, पर मैं चार मतलब इस 2 हफ्तों में कोई 5-6 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जरनाब ना फैमिली को देखते हुए रोई हैं इस तरह, तो बस मेरा दिल ख़राब हो रहा था, मैं यार भेज देता हूँ घर जाएंगे थोड़ा खुश हो जाएंगे। चलो ये वैसे जरनाब की मेरी पहली बर्थडे होगी, जरनाब की मेरे बगैर होगी, मगर मैंने सरप्राइज़ तो दे दिया, आएंगी तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें और भी सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो जरनाब ने ये भी सोचना भी तो खैर वो इतने ऐसी हैं डाउन तो उनको पता ही नहीं है, पर उन्होंने बोला कि सोचेंगी तो फिर मुझे बताएंगी कि इन्होंने कहाँ इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। चेक इन करके आके बैठ गई हूँ और बिल्कुल भी फीलिंग्स की समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि मैं घर जाने के लिए खुश नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं तो बहुत 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 खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी घर जाने के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं ईद पर घर चली जाऊँगी, और अभी क्योंकि इस पूरे 10 डेज में ना ये 14, 15, 16, 18, 19 तो किसी ना किसी की मेरी फैमिली में बर्थडे, मम्मा की बर्थडे, मामा बाबा की एनिवर्सरी, छोटी बहन की बर्थडे, हमारी निकाह को 1 साल होना था, मतलब ये सारा कुछ होता है ना, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे घर पे सब साथ सेलिब्रेट कर रहे थे तो मैं देख रही थी तो मेरा दिल ख़राब हो रहा था और मैं रो रही थी। अब मैं जा रही हूँ तो मैं खुश बहुत हूँ ऑब्वियसली यार, मतलब कौन अपने घर जाते हुए खुश नहीं होता, वो भी शादी के बाद तो एक और ही तरह की आपको खुशी होती है, लेकिन मुझे लारेब की बहुत आदत है और मैं हमेशा उनके साथ ही हर जगह आती हूँ जाती हूँ, तो मुझे मैं अभी जो है वो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो लड़कियों की जिंदगी है दैट इज वेरी टफ। मतलब अगर आप घर नहीं हो तो फिर आप घर वालों के लिए रोते हो, अगर आप शोहर के साथ नहीं हो तो फिर आप शोहर के लिए रोते हो, तो मतलब आपकी अपनी तो वो ही नहीं है कोई, मतलब ऐसा हो जाता है कि आपकी खुशी डिपेंड करने लग जाती है। अभी यही इसी टाइम पे अगर लारे मेरे साथ होते और हम लोग साथ जा रहे होते तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि मुझे पता होता कि मेरे घर वाले भी मेरे साथ होंगे, मेरे शोहर भी मेरे साथ हैं। पता नहीं कैसी ही बर्थडे गुजरी है, मैंने जैसी सोची थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं गुजरी, अजीब सही कुछ है, फीलिंग्स ही अजीब है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। और जब रात लारेब ने मुझे सुबह मैं सो रही थी तो मुझे उठा के जब उन्होंने टिकट दिखाई है तब भी मुझे बिल्कुल, मतलब मैं जो रिएक्शन देना चाह रही थी पहले जैसे एकदम मैंने देखा कि मैं घर जा रही हूँ तो मैं बहुत खुशी, फिर मैंने देखा कि वो एक बंदे की टिकट है तो मेरी
वो सारी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो गई ये सोच के कि मैंने अकेली ना जाना है। हालांकि लारेम ने तो अपनी तरफ से बहुत मुझे सरप्राइज करने की और इस तरह से कोशिश की, और मुझे ये भी बुरा लग रहा था कि मैं वैसा रिएक्शन उन्हें नहीं दे पा रही जिस तरह का मुझे देना चाहिए। मतलब उन्होंने इतनी एफर्ट करके सब कुछ किया है, तो मुझे मैं अगर बहुत खुश होती, हंसती, मुस्कुराती तो उनको बहुत अच्छा लगता कि हाँ भाई मैंने जो जन आपको खुश करने के लिए किया था वो हो गया। लेकिन वो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। मतलब ये सोच के ही मुझे अजीब सा होने लग जाता है कि मैंने लारे के साथ नहीं होना या इतने दिन लारे मेरे साथ नहीं होंगे। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम अपने माँ बाप के साथ भी रह सकते हैं, बहन भाइयों के साथ भी रह सकते हैं, शोहर के साथ भी रह सकते हैं जैसे लड़के रहते हैं। खैर अभी तो बस जा रही हूँ और मेरा एक इयररिंग भी गिर गया वहाँ पर सैलून में, एक कान में एक कान में नहीं है। आप लोगों को सैडेस्ट पार्ट बताती हूँ। अभी जब मैं इधर आ रही थी तो वहाँ पे एक वो खड़े हुए थे गार्ड, तो उन्होंने पूछा लारेम नहीं जा रहे आपके साथ? मेरा फिर रोना निकल रहा था। मैंने कहा प्लीज़ मुझसे ये बातें ना पूछें। कह रही क्यों क्या हुआ? मैंने कहा नहीं उनको काम था वो इसलिए नहीं आए। लोगों को भी पता है कि मैं इनके बगैर हिल ही नहीं सकती कहीं पर, फिर भी इन्होंने मेरे साथ ये किया। जितना बोला था आगे की सीट चाहिए उतनी पीछे 22A इतनी पीछे सीट मिली है। मेरे पूरे घर में से किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मेरे भाई को पता है और वो मुझे लेने आ रहा है। और पता नहीं क्या ही रिएक्शन होगा क्योंकि किसी के भी वहम गुमान में नहीं है। क्योंकि मेरी रात भी जब बात हुई थी तो मैंने कहा मैंने सुबह जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो और मैं जा भी इस टाइम पर ही हूँ ना कि मैं रोज़ शाम में ही घर में बात करती हूँ, तो कोई कॉल भी नहीं करेगा, तो किसी को बिल्कुल भनक ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली उनका रिएक्शन तो अच्छा ही होगा, वो तो खुशी होंगे मुझे देख के। बस अल्लाह ताला मैं खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ, मुझे बहुत डर लगता है और मैं अकेली जा रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे बचा लेगा, आमीन सुमा। गोल खाने में क्या बनेगा? पकौड़े बना दें। बेगम नहीं है आज, सोचा उठता हूँ चेंज करता हूँ क्योंकि आज अम्मी ने बोला कि नानी के घर पे इफ्तार साथ करनी है, तो बस अभी स्थिति गर्म हो रही बहुत। मुल्तान पहुँचते पहुँचते मेरा दूसरा इयररिंग भी गिर गया है और यहाँ पर इतनी गर्मी है उफ अल्लाह, मतलब कि निकलते ही ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुझे ओवन में रख दिया। प्लस आई एम टेकिंग दिस विद मी फॉर माई ब्रदर जो लारेब ने भेजी है मेरे भाई के लिए मंदी, वो मुझे लेने पहुँचा है और कब से मुझे मैसेज कर रहा है कि जल्दी बाहर आओ जल्दी बाहर आओ। मुझे लगा वो मेरा वेट कर रहा है, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा अगर ज़्यादा ज़ुबान चलाई ना तुम्हारी मंदी किसी को देकर आ जाऊँगी। उसने आगे से मुझे मैसेज किया है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं अपनी मंदी को लेने आया हूँ, बस मंदी बाहर भेजो। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, जितना मेरे भाई ने शोर डाला हुआ है ना, कह रहा तुमने सबसे एंड पे ही आना है, मुझे नज़र आ गया है खड़ा हुआ। उसको ये लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल एंड पे निकलूँगी, लेकिन आज मैं बाई चांस पहले आ गई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना भाई। अस्सलामुअलैकुम। तुम यकीन करोगे कि तुमसे ज्यादा खुशी मुझे अपनी गाड़ी को देख के हुई है। मैं सदके जाऊं, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे अपनी मंदी को देख के हुई। मैंने व्लॉग में बता दिया, मैंने कहा मेरे भाई को मंदी की पड़ी हुई थी, अब तुम्हें लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गाइज इसका भी यूट्यूब चैनल है, इसका भी व्लॉग आ रहा है, उसके नीचे जाके आप लोगों ने कमेंट करने के अहमद भाई हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी गुल से ज्यादा मंदी को प्यार करेंगे। इसके चैनल का नाम है अनस्क्रिप्टेड व्लॉग्स। माशाल्लाह मेरे चेहरे पे ग्लो देख रहे हैं आप, कितना आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बस हम मुल्तान से निकलेंगे और मुल्तान से विहाड़ी का सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का है, तो हम 1.5 से 2 घंटे में इंशाल्लाह घर पहुंचेंगे। और घर जाके फिर घर में से किसी को भी नहीं पता, सिर्फ भाई को पता था, बाकी किसी को भी नहीं पता, छोटी बहन को भी नहीं पता। हालांकि मेरे अब्बू मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैं अब्बू ड्यूटी पे हूँ, मैं घर जाके आपको शाम में कॉल करूँगी। अब्बू ने बोला ठीक है, तो अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, मुझे देख के कैसा आना। इफ्तार की तैयारी हो रही होती है। खैर अब 6 बज गए और जन्नाब अभी भी इतनी इमोशनल हुई हुई हैं कि लाली मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा आपके बगैर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या कर दिया मैंने। फटाफट नानी का भागना, मम्मा भी वहीं आ रही हैं,
बस यार बेगम की आंखों में आंसू आता ना तो मेरे को अजीब सा होता है कि बस मैं फौरन ऐसे सेट कर दूं। अब समझ नहीं आ रहा कैसे सेट करूं सारे मामला। नानी के इफ्तार में गर्मा गर्म समोसे हैं, पुलाव है, बटाटा वड़ा है, मैं खाता हूं, मम्मा खा लेंगी एक समोसे का। भाई भाई ने पहले ले लिया, बहुत कड़क भूख लग रही है क्योंकि आज कल पता नहीं रोजे में मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। अच्छा कैसा फिर आपका बंदा लेके आया हूँ आपको पता ही नहीं जनाब। मैं कहा मैं आज पैदा हुई थी तो आज मुझे अपने माँ बाप के पास होना चाहिए ना, तो पता चले इनकी बेटी आई थी आज दुनिया में। सोलह को क्या हुआ था अम्मा? सोलह को क्या हुआ था जनाब? आपको वापस तादर नहीं आई क्या? ऐसा सुस्त हुआ हूँ ना आज मैं, ऐसा वैसा, आए हाय हाय क्या सोच है आप लोगों की। ईमानदारी सोचना थोड़ी देर ना, आपके भाई को सो जाना चाहिए। आ हा 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 हा, पता नहीं कितने अरसे बाद मैं खाने लगी हूँ घर का खाना, मम्मा ने बनाया है खुद अपने हाथों से। कभी जिंदगी में मेरे चावल भी ऐसे बनेंगे, नरम, देखने में नरम लग रहे हैं। और ये मम्मा की, आपकी जहेज की प्लेट है ये वाली है? ये वाली मम्मा की जहेज की प्लेट है और ये मम्मा आसानी से किसी को देती नहीं। एक घंटे आँख लगाने के बाद अभी उठा हूँ और थोड़ी सी मंचिंग अम्मी ने बनाई कीमा चावल, तो वो खाते हैं। बेगम की वैसे ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत याद आ रही है। और बस वो उनका ना बस वो ही घूम रहा है सर में, अब तक रोई के रोके गई है ना, जो बस अजीब सा लग रहा है। चलो भाई बड़े जमाने तवील के बाद बॉयज़ के पास जाते हैं, मैच चल रहा होगा रमज़ान स्पेशल, तो देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं वहाँ पे। बेगम कह रही हैं लाली इंटरनेट बहुत मर रहा है, इतने सारे क्लिप्स हैं सेंड नहीं हो रहे, ना अभी ट्रांसफ़र के थ्रू ना किसी थ्रू, तो मैं डॉक्यूमेंट पे लगा के सो रही हूँ, व्हाट्सएप स्क्रीन ऑन करके मैंने बोला आप सो जाएं सुकून से, भेज दें, नो प्रेशर। इस जमाने तवील बाद जो है ना मैं नाइट मैच खेलने के लिए आया हूँ, और जब मैं इतना सा था ना तब भी इतना था, अब भी इतना ही है। क्या हो गया? ये हमारे खिदर भाई हैं जो कि हर मैच बचाते हैं, एक ही बंदा बचाता है। तीन बार बोल्ड हो चुके लेग स्टंप से यार, क्यों चल के बोल्ड हो यार, वो तीन तीन रन पे ओवर भी करता है। हमारा कैप्टन जो है ना टेंशन से बेहाल ये हमारी टीम को दो बॉलों पे दो रन दरकार है और हमारा लौंडा भाग भाग के थक गया बहुत ज्यादा। क्या हुआ है? शाबाश शाबाश, दो पे दो रह गए, दो पे दो रह गए, शाबाश 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 शाबाश, क्वालीफायर। एक बॉल पे दो रन चाहिए, बॉलर बहुत ही गुस्से में, कीपर उससे ज्यादा गुस्से में, हमारा बैट्समैन हाँफ रहे हैं। तो मैं फील्डिंग पर गया तो सुपर ओवर में हम जीत गए, अल्लाह की कसम जीत गए। सो गाइस घर पर लाली आपका वापस आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल में गए और फाइनल में आके हारे नहीं है, टाइम कम था तो सबने बोला ड्रॉ कर लो। कि अभी अम्मी सहरी बना रही है तो बस सहरी खाते हैं। गुल बेगम आई मिस यू, आई लव यू। मैं इतना जल्दी सो जाती हूँ और आज मैं अपने अब्बू के साथ मम्मा के साथ बैठी बातें कर रही थी और कब टाइम इतना हो गया कि पता ही नहीं चला, फटाफट से सोते हैं। इग्नोर माई सिस्टर। ओके आई होप सो आप लोगों का आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगेन अ बिग 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 थैंक यू लाली कि आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। बस आप हमेशा ही करते हैं, अब ये तो बहुत बहुत कम चीज़ें हैं जो ऑन स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलती हैं। लारे जो बिहाइंड द लेंजेज मेरे लिए करते हैं वो बहुत 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 मैटर करता है मेरे लिए। बिग थैंक यू एंड आई लव यू सो 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 मच। अल्लाह ताला हमेशा हम दोनों को ऐसे ही साथ रखे, हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और बर्थडे के जो आपने मुझे टूर दिया वो कहाँ जाना है वो मैंने सोच लिया है। टना ना ना ना।
लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी कराची आके। और अभी मैंने कुछ दिन घर पर ही रहना है इंशाल्लाह, और फिर वापस कराची जाना है। बस यहीं पे हम व्लॉग्स बनाएंगे। आप लोगों ने हमारे 600 के कंप्लीट कर दिए हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह हमने टारगेट रखा है कि हमने इस साल 1 मिलियन कंप्लीट करने हैं, और ये ऐसे ही पॉसिबल है कि हम लोग ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहें और आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। सारे पुराने व्लॉग्स अगर नहीं देखे हैं अभी जो कंटिन्यूस चल रहे हैं तो वो भी देख लें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या कंटिन्यूटी चल रही है और आप फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सोतेली माँ वाला सलूक ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन का टारगेट मैंने चौड़े में लिख तो दिया है कि साल के एंड तक करना है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह ताला होगा, करूंगा इंशाल्लाह, आमीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, ना भी अच्छा लगा हो, तो भी व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके द बाय। नहीं, लाली आउट, लाली की बेगम भी आउट। ओके द बाय।